साथ दे लेते। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, और मैंने एग्जाम्पल दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके पूरे घर को कलमा पढ़ के ये बात करें। मैं कहा अंकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब यही है ना, जहाज़ पे बिठा के भेज दें। ट्रेन, और ट्रेन पे मैं एक दफ़ा हैदराबाद गया था, मुझे नफरत हो गई थी ट्रेन से। मैं ट्रेन पे नहीं, कभी कभी मैं खुद ना बैठूँ ट्रेन पे, मैं इसको बुलवाऊँ ट्रेन पे। मैं कहा अंकल इसको जहाज़ पे बिठा दें, मैं इधर से पिक कर लूँगा। ओ भाई, मेरी बहन की जुबान, मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो जुबान खोलने पे आई है ना। मेरे साथ खुदा की कसम आज बोल रहा हूं, अंबर ने बड़े झूठ बोले हैं, अंबर ने बड़े झूठ बोले। मेरे घर वाले मेरे दुश्मन हो गए, क्यों? मैं गलत का साथ दे रहा था, और मैं गलत का साथ दे रहा हूं, इधर मेरी बीवी, मैं इधर साथ दे रहा हूं अंबर का, और मुझे ब्लॉक करके बैठी हुई है। मैं इनका साथ दूं? अब सुनो बात, ईद से 2 दिन पहले मैंने अंबर को एक एक दोबारा सुन रहा हूं, दोबारा सुन लो सब, 3 तलाकें होती हैं। मैंने अंबर को एक तलाक दी थी, अंबर को तलाक दी। शाम को 6 बजे यूट्यूब पे ये बात कमेंट्स आने लग पड़े, अंबर ने कहा तुम्हारे घर वालों का। और मैंने अपने घर वालों को ये बात 12-15 दिन बाद बताई जाके, और आज मुझे अंबर ही मैसेज कह रही है कितने झूठे हो, खुद ही अपनी मम्मा को बता दी। मैंने अंबर को बताया जिस दिन, अंबर को 15 दिन बाद बताया, उस दिन अंबर को बोला आज मैंने अपने घर बात बताई है। अंबर खा अपने बाप के सर की कसम, खाओ। खाओ अपने बाप की कसम, मैंने बताया अंबर, बताने जा रहा हूं मैं, आज बताऊंगा। इन लोगों ने, भाई सिगरेट पीता हूं, इसके अलावा कोई नशा करता हूं ना तो बता दो, अपनी कमाई का सिगरेट पीता हूं। बेशक बहना, एक दफा हुई, मैंने अंबर को बताई अपने कमरे में, कल एक इशारा दिया था ना, बात मेरे कमरे की होती है वो, मगर वो यूट्यूब पे घूम रही होती है। मैंने अंबर को दी थी, मगर वो यूट्यूब पे बात गई, मगर बात यूट्यूब पे जाती है। औरत औरत करके सिर्फ औरत ही मासूम नहीं होती। सिर्फ औरत ही मासूम नहीं होती। मैं कल कहता रहा हूं, घर बसाते हैं, घर बसाते हैं, घर बसाते हैं, और लालची लोग, भैनचोद, 5 करोड़ के घर में रहता हूं, लालच नहीं है किसी चीज का। लालची होता ना तो अंबर से काफी दफा, 3 दफा मैंने सवाल किया, यूट्यूब छोड़ो, मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं बैठा हुआ यहां पे, आई समझ? यूट्यूब की कमाई से नहीं कुछ बनाया हुआ मैंने, ये मेरा है, मेरे बाप ने अपनी कमाई से बनाया हुआ है, यूट्यूब की कमाई का मान नहीं करता मैं। ठीक है, यूट्यूब पे लोग कमाते हैं, अपने अखराजात पूरे करते हैं, मुझे किस चीज का लालच? जो लोग मुझे मेरे निकाह से पहले जानते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी इधर हैं, आओ बताओ मैं क्या हूं। कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंबर, रिश्ता बस, बेशक यूट्यूब ले बैठा है सबको। ओ भाई, यूट्यूब का मुझे कभी भी इशू नहीं था, लोग मुझे गालियां देते थे, मैं कहता था अंबर यार इनका, इनको इनको स्ट्राइक मार दे यार, अंबर इनको जाके इंस्टा पे मैसेज कर दो कि यार ना करो, बंद करो। मैं तो नहीं कहूंगी, मैं क्यों करूं, मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी यार, अंबर मुझे इज्जत नहीं दिलवा पा रही, फिर मेरी शक्ल भी मत दिखाओ, ना करो ना करो, नहीं जी नहीं, करना है करना है। अपने पे बात आई तो इनकी इनकी बातें निकल आती हैं। अब वहां पे बैठी हुई है मैडम, ट्राईपोड लगा के पूरे घर को, ये देखो मैं तो अपने रूम में भी अकेला बैठा हुआ हूं, मैं तो अपने रूम में भी इस टाइम अकेला बैठा हुआ हूं, ये पूरा घर पंचायत, अंकल को कमरे से बाहर निकाल दिया, एक मर्द है इनके घर में, अंकल मर्द यानी इंसान,
बाशऊर आदमी जो सुनता है, ये उनको कमरे से बाहर निकाल देती हैं। अंकल के नंबर से मुझे ब्लॉक किया हुआ इन्होंने। अंकल कहते हैं बेटा मुझे तो करना भी नहीं आता। कल अंकल से मेरी बात हुई, अंकल ने मुझे फ़ोन किया। अंकल का बेटा मुझे तो करना भी नहीं आता, पता नहीं किसने किया। मैं कहा अंकल मैं ब्लॉक हूँ, मैं आपसे रब्ता नहीं कर पा रहा। क्योंकि अंकल इंसाफ करते हैं। मैंने 15 दिन बाद अपने घर बताया कि मैंने अंबर को एक तलाक दिया, और वो बात शाम को 6 बजे, सुबह 8 बजे की, शाम को 6 बजे यूट्यूब पे फैली हुई थी, अंबर के घर से। अंबर के घर से आंटी को चाहिए था ना, अगर बेटी का घर बसाना था तो मुंह अपना बंद रखती, क्योंकि मैं साथ दे रहा था। अभी 1 घंटा पहले तक अंबर को मैं कह रहा था, अंबर मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्या करना है मुझे अपना फैसला बताओ, मैं अंबर निभाना चाह रहा हूं। मैं अंबर को यह कह रहा हूं, अंबर मैं निभाना चाह रहा हूं, बताओ क्या करना है। और मेरा क्या था, मेरी माए बहनें नाराज थी, मैं अपनी माओ बहनों के पीछे लग के कहता चलो ठीक है फारग हो, मैं छोड़ता हूं तुम्हें। मगर नहीं, इनको ना, इनको सिर्फ अभी ये जो बोल रही है ना, इनको पता ओ शिट, यूट्यूब पे कुकिंग विद शबाना जो इतनी मासूम बनी हुई है उसका करेक्टर क्या होगा। अभी ये वो हो रहा है, अगर बेटी का घर बसाना होता ना तो मेरा देखती, मेरी मेरे बारे में आके बोलती, मगर अभी इधर सिर्फ खाना खाना खाना, रोस्ट कबाब ब्रोस्ट, इसके अलावा बात क्या कह रही है ये वहां बैठ के। मैं किसी की इज्जत नहीं कर रहा, मैं किसी की इज्जत नहीं कर रहा। एक तलाक इस बात पे दी कि अंबर की इतनी लंबी जुबान है, अंबर की इतनी लंबी जुबान है, मेरे घर वालों को गालियां दे रही थी, मेरी बहन को बिच बोला था अंबर ने, इस बात पे इसको तलाक मिली थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह की मारो, मां बाप के सर की कसम, मर्जन साहब अगर मैं झूठ बोलूं यहां पे, अंबर को गाली देने पे तलाक भरी थी। ये जितना कल मैंने एक और इशारा दिया था ना, हम लोग जितना खुश नजर आते हैं यहां पे, जो हर चीज झूठ होती है, हां ये YouTube पे होता है। जब आंटी लड़ती है ना अंबर के साथ आके, इतनी लंबी जुबान है आंटी की, खत्म नहीं होती। अंकल हैं, अंकल से बात करो, अंकल वाकई प्यार से आराम से बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, कौन गलत है कौन नहीं। मैं गलत हूं मुझे टोकते हैं, अंबर गलत हो मेरे सामने कहते हैं हां अंबर की गलती। खुदा की कसम मुझे अंबर ने मेरी बहन को मेरे सामने गाली दी थी तो उस पे अंबर को तलाक पड़ी थी, क्योंकि मैं बड़ी देर से मना कर रहा था अंबर मुंह बंद कर ले, अंबर मुंह बंद कर ले। 1 से 1.5 घंटा गाली सुनता रहा, तो फिर मैंने एंड पे आके ये कहा, और शाम को 6 बजे वो बात यूट्यूब पे फैली हुई थी। कौन है यार, ये मैं बचाऊं घर अपना, ये बचाऊं मैं। वहां बैठ के वो औरत अपनी बेटी को ठीक साबित कर रही है इंस्टाग्राम पे, अंबर की अम्मी यार रसद, जिन्होंने अपनी बेटियों को रखना होता है वो खामोश रहती हैं। तुम लोगों की भी अभी अभी शादी हुई है, तुम लोग नहीं जानते मैं क्या था। मेरे घर वालों को वहां पे कमी कमीन कहा जा रहा है, वो जो है ना वो मेरे घर बंद वालों कर को दो, वहां मैं पे पहले बंद यार कर दो पीछे लाइव, करना यार, लाइव बैठो आप। मेरे घर वालों को यार असद कमी कमीन कह रहे हैं वो लोग। असद तू मेरा दोस्त है, तेरी बीवी तेरे सामने बैठी है, खा कसम क्या हूं मैं। इंस्टाग्राम पे लाइव इंस्टा पे वहां पे तमाशा लगा के बैठी हुई है, तमाशा ये लगाया हुआ है कि गलत जगह बेटी फंसा दी, गलत जगह बेटी फंसा दी। यार 1 मिनट, 1 से 1 बार के झूठ बोला है इन मां बेटियों ने, 1 से 1 बार के झूठ। अंबर अकल करती थी, उसकी मां उसकी ऐसी चाबी घुमाती थी,
अंबर उसी टाइम कुछ और बोलती थी। कल मैंने ये भी आइडिया दिया था, अंबर ने जब मेरी माननी होती है, अंबर मेरी मानती है, बोला था ना कल मैंने यूट्यूब में, जाके देख लो कल वाली वीडियोस। कल मैंने इशारा दिया था कि अंबर मानती है, कल मैंने बोला था जिन्होंने अपनी बेटियों को बसाना हो ना वो बसाती हैं। और अभी मैं ये लाइव बोल रहा हूं यहां पे कुकिंग विद शबाना, अब आप चुप हो जाएं। मेरे पास यहां पे अल्लाह माफ करे कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मैं किसी की बेटी को बदनामी दूं, ठीक है, मगर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप मुंह छुपाने पे मजबूर हो जाएंगी। मेरे पास आपकी बेटी का अल्लाह माफ करे कोई ऐसा कोई गंदी चीज, हम मियां बीवी थे, बड़ी एक इज्जत के साथ हमारा रिश्ता चला है, ठीक है, बड़ी एक लिमिट के साथ चला है, मगर अब आप चुप हो जाएं, अपना मुंह बंद कर लें। आपने अपनी बेटी, आपको अपने घर में अपनी बेटी बिठा के इज्जत महसूस होती है, आप बिठा लें अपनी बेटी। नहीं पीना यार, जिन्होंने अपनी बेटियां बसानी होती हैं ना वो लड़के का मुंह देखती हैं। लड़का कह रहा था, अलग रख लेता हूं, यार बताओ इससे ज्यादा मैं क्या करता, असद जवाब दे यार। मैं कहता रहा मैं बसा रहा हूं, मान उसकी ने बसानी होती तो बेटी का ऐसे करती? अंबर मैं रिक्वेस्ट करता रहा, अंबर मैं रिक्वेस्ट करता रहा, अंबर मैं लड़का हूं, मेरे पे तलाक का धब्बा लगा मिट जाएगा, तुम लड़की हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम बाज नहीं आई, तुमने अपनी मां की सरपरस्ती में हर चीज सोची है। मैं समझाता रह गया, मैं इस पूरे घर में सिर्फ अंकल ने मेरा साथ दिया है। मैं कल नहीं ना बोला बहुत कुछ, कल मैं सिर्फ जोड़ने की बात, सुन रहे थे तुम लोग कल, सिर्फ जोड़ने की बात की, कल मैंने कोई अंदर की बात ही ना की, क्योंकि निभाना चाहता था, मुझे पता था मेरी इन हरकतों से मेरे मां बाप पे ब्लेम आएगा, मेरी बहनों पे ब्लेम आएगा, अभी भी सच नहीं बता रहा बहुत बातों पे, और रखना था मैंने रखना था, छोड़ना था मैंने छोड़ना है, मेरे घर वालों का इसमें कोई किरदार नहीं है, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मेरे पास यहां पे किसी को हरेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे और अंबर के दरमियान कभी ऐसा कुछ हुआ कि मैं उसको हरेस करूं। रिश्ता निभाना था मैंने, ये कुकिंग विद शबाना इतनी अल्लाह तौबा करती है ना, पढ़ती होंगी नमाज अल्लाह जाने ये जाने, मगर अल्लाह तौबा ये होती कि बेटी का घर बसाती। तलाक छोटी चीज नहीं होती, मैंने तो एक दफा इसको गाली देने पे दी थी ना, इनकी बेटी दिन रात मुझसे खुला मांगती है। यार घर में कोई एक मर्द नहीं है जो इन औरतों का मुंह बंद करवा ले। यार मेरी जिस पे चल सकती है मैं उनका मुंह बंद करवा सकता हूं। सब लोग यहां पे जवाब देने पे लगे हुए हैं। अभी मैं अभी भी इतना बोल रहा हूं, घर बसाना था ना खामोश हो जाती, तुम लोग को इज्जत लग रही है तलाक लेना। मेरी बहन तो यार मेरे साथ बड़े शौक से मेरे निकाह में गई थी। ओए मेरे घर वालों के पास तो वो भी प्रूव है जिधर कुकिंग में शबाना और इनकी बेटी गुड़िया लोगों को कह रही हैं आप मीना स्वीटी जी के चैनल पे क्यों जाती हैं, सबूत लाएं वो सामने। मेरे पास वो चैनल है जहां पे कुकिंग में शबाना कह रही है इनके घर की बातें,
कि हम YouTube पे देखो आके तमाशा क्या लगाते हैं। मेरे पास वो सबूत है जहां पे अंबर कह रही है देखो अब मैं मुंह खोलूंगी YouTube पे, मुंह छुपाने लायक रह जाएंगी, YouTube डिलीट करके चली जाएंगी। दिखाऊं सबूत? और मैं कहां छोड़ने की बातें कह रहा हूं। ये औरत अपनी बेटी को बसाना नहीं चाह रही, कमाई खा रही है उसकी, कमाई खा रही है उसकी। और यार उधर लाइव पे बैठ के मेरे घर वालों को अजीबो के लिए बुला भरा कह रही है। ये अंबर की अम्मी क्यों अपनी YouTube बचाएं? मेरा हक है बकर नहीं उसकी, उसने अपनी माँ को हकदार बनाया हुआ है। तुम्हारा हक है ठीक है, कोई भी बात है तुम्हारे उसके बीच है, अपनी माँ को वो क्यों बीच में लाएगी? लाती है क्यों? लाती है क्यों? लाती है मुझे खुद नहीं पता ये बातें आज तक। अब कल तक जब तुम लोगों की लाइफ थी मैं हाथ पांव मार रहा था, जिधर भी मार रहा था, मैं मार रहा था इसलिए कि ये रिश्ता बच जाए। कल तक मैं भी यही कोशिश कर रहा था, कल बच जाए, मैं भी यही कोशिश कर रहा था। कल मेरी अंबर से बात हुई, अंबर से मैंने बात की, कल मेरी अंबर से बात हुई है और वहां से 99% यही था कि ये नहीं करना। अंबर ने यही कहा, अंबर का 99% यही था कि नहीं करना, खुला अलहदगी मैं नहीं रह सकती, नहीं चलेगा, उसने ये बोला। किस पे बात हुई है? कॉल पे हुई है मेरी उससे, मैसेजेस पे भी, कॉल पे भी बात हुई है। ठीक है अब बरहाल मैसेजेस तो हैं मेरे पास, दिखा मुझे, दिखा मुझे, अभी दिखाता हूँ, सबर कर ले, मेरे पास ए टू जेड हर चीज है। जादू हुआ वह मुझ पे, ओए क्या था मैं, सच बता यार, बोल यार, तू ये नहीं था। बोल तू ये नहीं था। बोल बोल, कब से जानता है मुझे? पीछे करो अपना मुंह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या था मैं? 5 साल से जानता, ये था, निभा रहा हूं ना। 22 दिन हो गए मां को गले नहीं लगाया, मुझे पता है ये मैं नहीं था। आज लाइव में बैठ के झूठ बोल रही हैं, ख्वाब देखा मैंने, ख्वाब देखा दुपट्टे में सांप है, कोई फेंक के गया। अंबर मुझे ये ख्वाब आज से 10 दिन पहले अपना नाम लेके बता रही है, सोए मुझे कॉल करके, मोहसिन मैंने ख्वाब देखा। क्या? मैंने ख्वाब देखा कोई औरत आई है, मैंने उसका मुंह नहीं देखा, वो मेरे ऊपर ना सांप फेंक के गई है। आज अंबर की अम्मी कह रही है ख्वाब मैंने देखा और स्वीटी जी आके वो फेंक के गई है। मकार लोग, झूठे लोग, जादू जादू जादू। सुन ले बात, सुन ले बात, सुन ले। देखो जी जादू हुआ हुआ है ठीक है, और ये भी हमें पता है किस पे हुआ हुआ है, नजर आ रहा है ठीक है। किस पे हुआ है? तुम पे हुआ हुआ है, नजर आ रहा है ना, मुझे नजर आ रहा है, मेरे से बेहतर मोहसिन तुझे तेरा बाप भी। तुम आयत करीमा खोल के बैठ गई हो, तुम पे फूंकू ना मैं, गुस्सा कर रहे हो तुम, मेरे से बेहतर तुम्हें तुम्हारा बाप भी नहीं जानता। ऐसे ही असल में कितनी कोशिश करूं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई जान, कल तक मैं इस रिश्ते के हक में था कि ये रिश्ता निभ जाए, मेरा दोस्त बन जाए ठीक। अब मुझे इधर आके मैंने अंबर की सुनी, सारा कुछ सुना मैंने उस स्वीटी जी, मुझे माँ बेटियां पता क्या कह रही हैं, लाहौर नहीं आएगी हमारी बेटी, लाहौर में मुझे रखना मुश्किल है, मैं 1 लाख रुपया दूंगा ना डिपॉजिट और 50,000 रुपया रेंट दूंगा, 1.5 लाख रुपये मुझे फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाता है भैरिया में, 60-70 हज़ार रुपये की अर्निंग कर लेता हूँ मंथली। मगर उन्होंने कहा नहीं 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 लाहौर नहीं भेजना, हैदराबाद आ जाओ। मैं कहा हैदराबाद में क्या, कराची रह लेंगे हमारी बेटी लाहौर में अकेली। मैं कहा कराची में क्या आप साथ रहेंगी, आप साथ रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं कहा मैं कराची नहीं आ सकता, ब्लेम अंबर पे आ जाएगा कि आप लोगों ने बेटा छीन लिया मुझे। सुन ले, मैं कहा मुझे मत कहो कि मैं सिंध आऊं, एंड पे मैंने कहा मैं इसको लेके दुबई चला जाता हूं। मसला ये है, बेटी रुखसत की जाती है ससुराल में, रिश्ता 2 खानदानों का होता है, क्यों नहीं समझ आ रही, रिश्ता 2 खानदानों का होता है, 2 लोग। वो लड़की वाले होके मजलूम हो रहे हैं, नहीं होना यही है, हमारे माशरे की एक लानत है के मजलूम औरत होती है। नहीं है सर, मेरी बात सुनो भाईजान, अगर मैं साबित कर सकता हूं कौन मजलूम है कौन नहीं, मगर नहीं करूंगा, मगर नहीं करूंगा।
अंबर अगर सुन रही हो तो सुन लो, मेरे पास तुम्हारा अल्लाह माफ करे मेरी भी बहने हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, ना कभी हमारे दरमियान कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, कि मैं इसको कोई ब्लैकमेल करूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो है नहीं, मैं इसे कोई वल्गर तस्वीरें मांगूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ना कभी मांगी हो। मगर और बहुत कुछ है जिससे मैं सबूत दे सकता हूं कि कौन गलत है कौन नहीं। स्वीटी ने अगर मुंह खोला मेरे लिए खोला, क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हो रही थी, मैं अपना घर बचाना चाह रहा था। वो वहां बैठ गई हैं ट्राईपोर्ड पे कैमरा लगा के और बातें गिना रही हैं, ये वो ये फलान टमकान। द थिंग इज, कितने दिनों से इस हालात में है? मैं अपनी अगर इन टेंशनों की बोलूं ना, लास्ट रमजान से, रमजान के लास्ट डेज से, रमजान के लास्ट डेज से तू घर भी छोड़ के गया। हाँ, तूने खाया भी कुछ नहीं। हाँ, और ये बात मेरी बीवी लोगों को बता रही है। तू घर से कुछ खा भी नहीं रहा? नहीं। तू बाहर जा रहा है, तेरी घर वालों से लड़ाई चल रही है, सबसे लड़ाई चल रही है, वो डेली व्लॉग बना रही है। हाँ, सब कुछ हो रहा है, मेकअप भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, और तू बेवकूफ है। कल जॉब से रिजाइन दे के आया हूं किसी उस बंदे के लिए जिसको आपकी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कुछ नहीं खाता ना, मेरी बेगम कुछ नहीं खाती, जब तक मैंने घर आके रोटी नहीं नवाला मुंह में डालना, उसने कुछ नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मैं भूखा हूं, ठीक है। प्यार मोहब्बत रिश्ता ये होता है। ये जो नीचे कोई लिख रही है ना लड़कियों से, इससे कोई शादी ना करे, लगता है तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही हो किसी दौर में। तस्लीम जहरा, ये लगता है जो तुमने डीपी में पिक्चर लगाई हुई है ना, ये भी शायद मेरी ही होगी औलाद। अब इस पे भी कंटेंट मिल गया लोगों को, निकल तू यहां से। ये होता है, ये आते हैं नीचे कुछ कुत्ते के बच्चे रिश्ता खराब करने। छोड़ दो इन लोगों को, मेरा रिश्ता खराब हुआ है इस यूट्यूब की वजह से। आज इसलिए इधर बैठो क्योंकि मेरी जिंदगी इस सोशल मीडिया ने तबाह की है। मैंने बात की है कल, मैंने कल अंबर से बात की है, मैंने साफ बोला, मैंने कहा अंबर रिश्ता ठीक हो सकता है अगर यूट्यूब छोड़ दो। छोड़ोगी? शी सेड नो, वो यूट्यूब नहीं छोड़ेगी। क्या कहती है? शी सेड नो, वो और बता, तुझे तेरी माँ के सर की कसम, तुझे तेरे बाप की कसम जो इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम लोग मुझसे अंबर का नंबर मांगते रहे? मैंने दिया नहीं दिया। तुम लोगों ने कैसे उससे कॉन्टेक्ट किया? और मुझे अंबर ने खुद बताया कि मेरी असद से बात हुई है, असद सब ठीक कर देगा। मेरी बात हुई है और मैंने कल, क्या मैंने तुझे कहा कि अंबर को कुछ बोल मेरी तरफ से? मेरे पास तेरे हैं मैसेजेस, तूने मुझे बोला है कि कांटेक्ट नहीं करना अंबर से, अंबर से कोई दिखा दिखा दिखा, मोबाइल दो दिखा। यार मैंने बहुत प्यार किया अंबर से, मैंने निभाने की बहुत कोशिश की है। मैं भी एक घंटा, मैंने बोला हम ये प्लीज मत आओ बीच में तुम लोग, ठीक है। और इसके बाद मौसम क्या हुआ है यार, मुझे सब अकेला छोड़ दो प्लीज, मैं जीनत हूँ, ये जीनत हूँ, तुम्हें मैसेजेस वगैरह किए हैं, ठीक है। उसके बाद यार मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, सब गलती यही समझाने में तुम्हें आया हूँ कि तुम गलत को गलत नहीं बोल रहे, इससे बड़ी गलती कोई नहीं होती। मौसम तुम्हें यही नहीं पता गलत कौन है। घर बचा रहा, घर बचा रहा, घर बचाना। यार मेरी एक बात सुन, मैं बताऊं घर कौन बचाता है? घर बचाते हैं घर के बड़े। लड़की का घर बचाना है उसकी माँ ने, ठीक है। अगर मेरे में और मेरी बेगम के दरमियान में कोई मसला होता है, ठीक है, कोई ऐसा मसला होता है जो घरों तक पहुंच जाता है, तो जीनत की माँ जीनत को मेरे सामने गलत बोलेगी कि जीनत गलत है, ठीक है। घर बचाना उसको कहते हैं। अगर जीनत की माँ ये बोल देगी मोहसिन गलत है, जीनत मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ?
लाइव नहीं बंद होगी। क्लियर करने दो, ठीक है, जिन लोगों के सामने मसला क्रिएट हुआ है उन लोगों को क्लियर करने दो, बात करते हैं लोगों से, लोगों को बताते हैं। कल तक तुम लोग, मैंने आज तुम किससे बात हो रही थी मेरी, क्या बोला है, मैं निभाना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं निभाना, तुमने कल मुझे भी बोला है निभाना चाहते हो, मुझे मैं कोई, कल तक हमें लग रहा था कि शायद इस घर की गलती है, कल तक मुझे ये लग रहा था कि शायद इस घर की गलती है, क्योंकि मेरी एक बात सुनो मुझसे, मैं तुम्हें बताता ये हूँ, अब लोगों को भी यही लग रहा है कि इस घर की गलती है, क्यों लग रहा है, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी आप किसी को भी दिखाओगे उनको यही लगेगा। एक मिनट, अंबर आओ ना कॉल पे। आज अंबर ने मुझे कहा कि मैं आज लाइव जाऊंगी, मैंने कहा नहीं जाओगी, मत जाओ अंबर, रिश्ता निभा लो। अंबर नहीं गई, अंबर की अम्मी आ गई। बात अभी आज मैं इधर ये कह रहा हूँ, रिश्ता निभाना था, हम दोनों ने निभाना था, कभी कभी माँ बाप भी मिस्टेक्स कर देते हैं, है ना। अंबर अपनी लाइफ को बैठती है, अंबर तो यहाँ है, इधर आई हुई है, मैंने किया इनवाइट, नहीं आ रही। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने एक मिनट भाईजान, गलती आज उसकी अम्मी को क्या करना चाहिए था यार, उसकी अम्मी को मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए था भाई, उसकी अम्मी को पर्सनली, तुम्हें भी नहीं, तुम्हारी अम्मी को कॉल करना चाहिए था। ना करते, मैं जो यार जो राइट है, जो लोगों के रिश्ते होते हैं भाई, वो छोड़ दो यूट्यूब एक साइड पे, छोड़ दो सब कुछ एक साइड पे, ठीक है, बहुत बड़े यूट्यूबर हो, नहीं हो, मैं हूं, मैं मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत बड़े यूट्यूबर हो, नहीं हो भाई, मैंने कल भी एक मिसाल दी थी, मुबशर सदीक, डकी भाई, ये बड़े यूट्यूबर है पाकिस्तान के, ये बड़े नाम है, और यार उनका भी तमाशा देखा है इस तरह का, नहीं देखा, शादी हुई हुई है, बच्चे हुए हुए हैं, घर में सेटल्ड है, सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, बहुत बड़े बड़े, शामद्रिस यूट्यूबर था, फ्रॉगी यूट्यूबर है, शादी हुई है, बच्चा हो गया, जैद अली टी यूट्यूबर है ना, सब कुछ हुआ है ना भाईजान, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, अपने दिमाग भी उस मुताबिक खोलो, अपने दिमाग को भी फिर उतना वसी करो, ये सीधी बात है, साड़ी पंजाबी च मसाल है, थोड़ी च बोता पै जाना, क्या यूट्यूबर्स के रिश्तेदार नहीं होते। मैंने इस लड़की के तरले की है, मेरे साथ निभा ले, ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया, तुमने क्यों तरले की, मैंने कहा हुआ तू तरले करने वाला है वे, तू मैनू सिर्फ एना दस, वो किथे गया, वो मोहसिन किधर गया, समझ से बाहर हो मोहसिन, तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तुम मुझे कब से जानते हो, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, मैं इस टेंशनों से मैं खाया गया हूं अंदर से, होता है, मैं कल तेरे लिए रोया, मैं कल 3 से 4 दफा मैं रोया, क्यों, मेरा यार, मेरे सब रो रहे हैं, मुझे अपने आप पे रहम आने लग पर, मुझे अंबर पे रहम आता है, मुझे अंबर पे रहम आता, अंबर पे रहम, एक मिनट, नहीं, वो बच्ची है, माँ को उस पे रहम, वो बच्ची नहीं है उस्ताद, बात सीधी सी है यार, वो बच्ची है, उसको नहीं समझ आती, उसको कोई भी पीछे लगा ले वो लग जाती है, मैं जानता हूँ उसे, मुझे रहम आता है, अकेली बैठ जाएगी, कर लेगी चाहती, मुझे पता है उसको 100 रिश्ते मिल जाएंगे, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। शादी इंसान 100 कर सकता है, बसाना काम होता है, ठीक है, शादियां बहुत हो जाती हैं, बसाना काम होता है मोहसिन, लाइफ को स्ट्रेट लेके चलना काम होता है, ये चीज समझो प्लीज, फॉर गॉड सेक, मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है किस तरह करना है मैनेज, मैं जानता हूं, उसके घर वालों को पता है किस तरह करना, वो भी बच्ची है, यू नो माई वाइफ वेरी वेल, वो भी बच्ची है जहन की। अंबर कॉल पे आओ एक मिनट,
लेकिन उसको मेच्योर करने वाली उसकी माँ है, उसकी फुप्पू है, अंबर कॉल उसके पे घर आओ, वाले हैं, निभाने वाले हैं, ठीक है। अंबर 1 मिनट आ जाओ, बात कर लो अब दुनिया के सामने। अमर आओ कॉल पे, आप लोगों को सही माइंड मेरे अप से करो बात यार, करें यार। मतलब